सतना जिले के रामनगर थाना अंतर्गत सुहेली निवासी केशकली कुशवाहा ने मंगलवार को एसपी ऑफिस में पड़ोसी दबंग व्यक्ति पर मकान में तोड़फोड़ व आगजनी कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। फरियादी महिला ने बताया कि वह पति और बच्चों के साथ अपने मायके में पिता के साथ रहती है। बताया कि उसके पिता शासकीय राजस्व एवं वन परिक्षेत्र की सीमा में घर बनाकर रह रहे हैं, जहाँ पड़ोस का जगन्नाथ कुशवाहा एवं उसका परिवार भी रहता है। फरियादी महिला की माने तो आरोपी गण अक्सर उससे कब्जे में अराजी से बेदखल करने का दबाव बनाते हैं, मकान में तोड़फोड़ व आगजनी की वारदात को अंजाम देते हैं। फरियादी महिला का आरोप है कि मामले की शिकायत लगातार रामनगर थाने एसपी ऑफिस एवं सीएम हेल्पलाइन में की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लिहाजा पीड़िता महिला ने व उसका परिवार मंगलवार को एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है और मामले का उचित जांच कार्यवाही की मांग की है। कहीं आप किस संबंध में आई हैं? हमारे घर में मुन्ने लाल जो है तो आग लगा देता है, कभी कभी घर गिरा देता है, कुर्बानी काट देता है मेरा, और जो है तो मड़ैया गिरा दिया, आग लगा दिया उसमें, और हम ऑफिस वहाँ जाते हैं तो कुछ काम नहीं, कार्रवाई मेरी नहीं। कहाँ रहता है वो? वो तो परदेश में है इतने समय। नहीं, जब आग लगाया है तो कौन है ये, कहाँ का है, कहाँ रहता है? लाल है कुशवाहा, हम उसको देख लिए कि ये आग लगा रहा है। कहाँ रहता है वो? वो अपने घर में है। आप रिपोर्ट किए तो क्या होगा? घर कहाँ पास है उसका, आपके घर के पास है? हमारे घर के और एक घर के आंतर में, कुल मिला के पड़ोसी। जी, मोहल्ले का वो? हाँ, पड़ोसी है। कब से परेशान कर रहा है आपको ये? ज्यादा तो भादों से कर रहा है। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की है? जी। थाने वाले क्या बोल रहे हैं? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है साहब। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, क्या बोलते हैं थाने वाले? हमको उल्टा उन लोग बोलते हैं कि हम तुमको जेल कर देंगे, और कुछ कार्रवाई उनके पास सुनाई नहीं देती है। हमको बोलते हैं उल्टा जेल तुमको करेंगे, और हम कुछ उनके पास गवाह नहीं दे पाते साहब, हम इनको उल्टा उल्टमासी देते हैं। अब बोलते हैं कि तुम हमसे अब जो परेशानी है तो तुम हमसे और परेशान हो जाओगी, हम तुमको मिटा के रहेंगे। कौन कहता है ये? मुन्ने लाल कुशवाहा। जब तक नहीं मिटा देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, जा चली जाए यहाँ से। काहे के पीछे परेशान करते हैं? ये परेशान कर रहे हैं, हम जो पिताजी के सेवा में आए तो सेवा के लिए हैं, तो वो सोचे थे कि यहाँ से हट जाता हमारे लिए, जैसे परेशान कर रहा है, कहा था जा चले जाए यहाँ से, तो और यहाँ कुछ नहीं। कुल मिला के जमीन के लिए परेशान कर रहा है। अब बोलता है कि तो यहाँ से चले जाए तत्काल, यहाँ तो और कुछ नहीं है, तो चले जाए यहाँ से, तो और यहाँ कुछ नहीं है, तो काहे काहे है। तो आपके साथ भी उन्होंने मारपीट की है? जी, सब करते हैं साहब, गाली गलौज मारपीट सब करते हैं। अब बताइए, अब इतना कुछ कार्रवाई नहीं हो, और जौने दिन मार डरी है तो को सुनी हमारा बताई। तीन बार रिपोर्ट पड़ चुकी और कौन कार्रवाई अभी एक बार और सीएम हेल्पलाइन में की है शिकायत। जी, क्या हुआ उसमें? उसमें दरवाजे हैं कि पटवा दो, नहीं हम तुमको जो उल्टा जेल कर देंगे। कौन कौन बोलता है ये? ये जो पुलिस वाले आते हैं। कहाँ थे? मजातपुर का। थाना कौन सा लगता है, कौन सा थाने के? चौकी है वहाँ मजातपुर। क्या नाम है आपका? केशकली कुशवाहा। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं सुगली। आप इनकी कौन है? हम इनकी बच्ची हैं, हमारे भी बच्चे नहीं हैं, उनके भी बच्चे नहीं हैं। कहा थे तुम यहाँ से जल्दी हट जा, नहीं तो जान बचा में कुछ हट जाते हैं, और नहीं था तोरे जान का खतरा, हम कुछ दिन बाद तो ही मिटा के दिखाऊ, न तो डॉक्टर लाइक रह जाइए, न वैद्य लाइक रह जाइए, कहूँ लाइक तो नहीं रह जाइए, यह परेशानी है हमारे साहब। अब देखिए आज इतना परेशानी दो बार तीन बार हम किए हैं, अब कुछ हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, अब जब मार डालेंगे तो कोई कार्रवाई होगी तो हम कहाँ लाइक रह जाएंगे, बताइए आप। जब हमारे साथ कोई परेशानी नहीं सुनाई हो रही है तो हम का करी साहब, बताइए कैसे दबाव रही, ना हमारे गांव वाले कोई साथ देता है और ना तो कोई यहाँ वाला सहारा देता है, शासन भी हमको सहारा नहीं देती है, हम किसके सहारे से जिए, बताइए आप। कहूँ तो फांसी लगा के मर जाए वहीं, हमारे पिताजी भर रहेंगे, हम रहे तो हम साथ चले जाए, और इन लोग सब कोई रह ले, ये बताइए कुछ जब ना हो, हमारे कहीं सुनाई नहीं है, ना गांव वाला सुनता है, ना हमारे पड़ोसी भी तंग कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाए बताइए साहब, हम किसी के सहारे लायक नहीं है, और यहाँ भी आते हैं यहाँ कोई सहारा नहीं है मेरा, बताइए आप ना।
क्या की समस्या लेकर आए हैं एसपी ऑफिस? समस्या हम ये लेकर आए हैं शहर, हमको परेशानी है, भाई भतीजे हैं तो हमको वहाँ से शासकीय घर है तो वहाँ से परेशान कर रहे थे, कहाँ आग लगा दिए थे, कहाँ गाड़ी तोड़ जा रहे थे, कहाँ पाते चले गए हैं तो नहीं बच्ची का है अपने आन की हमारा तो औरत अदा करिए, मेरे पास बच्चा कोई नहीं है, न मोहन के पास बच्चा है, न मेरे पास बच्चा है, तो वही लगाया हमको भारी परेशानी है। कौन कर रहा है परेशान? मुन्ना भाई। ये कौन है, कहाँ का है? भतीजा है घर पास का। कहाँ रहते हैं आप? हम ये रहते हैं सुहिला मंकी सर में। ये कहाँ पड़ता है? ये पंचायत में मंकी सर लागत थी, थाना थाना रामनगर लागत थी, तो ये साइड पर चलती मैं ये से काम होता है मर जाता है। वहाँ स्थानीय थाना जो है वहाँ पे शिकायत नहीं की आपने? यहाँ नाम आता तो हम इनको पढ़ के एक कोदार सुनाई नहीं गई किसी को मार उल्टा हम इनका यह है कि अगर तो कल आदमी भीतर घुसत है हमको पकड़त है और हमका मतलब उल्टा केस कहा थे कि हम तेरे नहीं कर रहे हैं। कौन बोलता है ये? ये बोलता है वो मतलब यहाँ के थाने जो थाने में रहते थे पुलिस जी आते थे इनका डरवावे थे और हम उनको डरवावे थे और बाकी का डर बोलते थे। क्या नाम होता है? मोतीलाल। पूरा नाम का है अपना के? मोतीलाल कुशवाहा। कब से परेशान कर रहे हैं आपको? परेशान तो हमको बहुत दिनों से करता हूँ चाहे चार छः साल के, लेकिन हमारे लाता बर्दाश्त करते रहे जानते हैं कि घर के आए थे सामान देंगे। अपना क्या काम करी थे? हम बहुत जब बनी मजदूरी ऐसे करी थे तो अब बनी मजदूरी कर लाइक नहीं है, हमें कोई गाँव के काम नहीं दिखा और बेकारी है तो मरी है। कहाँ चाहे थे अपना? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहे थे कि हम उनका छुरी फांसी जेल जुड़वाना बना हो, बाकी का हमका हमारा पीछा छोड़ दें और खाए कमाए, हमें खाई कमाई और शांति बना के रहें, अगर नहीं शांति बना के रहें तो जैसा शासन है। आज यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं, एसपी साहब ने क्या कहा? और ये एसपी साहब लगे जो अच्छा तो बोल पाने में बाता कहें कि किस जगह में तुम्हारा घर है, तो हम साफ झूठ नहीं बोले, हम कहें सरकारी भूमि है तो कहें क्या सरकारी बना सरकारी में उन्हों के है सरकारी में हमारा घर तो अगल बगल उनका रहा है तो जब का परेशानी है भैया चाहते हैं। चलिए ठीक है।